खपड़िया तनिक झुकाइए, हैंड तनिक उठाइए। और अपना नहीं बजवाना है तो हजूर को सलाम बजाइए। चाय। अरे वाह चाय पिला रे। ए छी, ये साला चाय है क्या? दादा हम नहीं बनाया है, हम तो सिर्फ चाय दिया है। ए भाई क्या अच्छी चाय पीने के लिए अपने को चाइना जाना पड़ेगा क्या? अभी क्या है ना भैया, अपने इंडिया में दूध वाले दूध में मिलावट करना स्टॉप कर नहीं सकते, आदत से टाइट है। क्या बात कर रहे ला? मैं बोलेगा तू भी? अरे आप बोलिएगा तो भी आदत नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अभी तेरे को बताता है, अब मैं अगली चाय तभी पिएगा जब उसकी ये आदत छुड़ाएगा। क्या बोल दिया, मतलब पूरा लाइफ अब चाय नहीं पीजेगा? ए भैया तेरे को हॉर्स पावर का पावर मालूम नहीं है क्या बिड़ू? हाँ भैया, बुफैलो बुद्धि के आगे हॉर्स पावर कुछ नहीं करता है। विश्वास नहीं होता है तो ट्राई करके देख लीजिए। बुला लेते हैं दूध वाले भैया को। जा बुला लो। भाई के घोड़े के सामने ये गांज जैसे गधे भी दौड़ने लगे। ए साला चुप रे। बुलाओ। ये क्या है रे तेरा रोज का गंगा जमुना सरस्वती? गरीबी और भुखमरी का जोर दिखा है। सो है दो भैंसों को तो डेंगू खा गया, अबे एक भैंस बची है कल हुई। सुश्री दूध कहते हैं हमारे पे मेहरबान नहीं करा है, चार जगह से चार बूंद आंसू टपका दे। आप इंसाफ करो हजूर, जो गरीब पेट भरने के लिए पानी नहीं मिला तो क्या करे? या अल्लाह ये अब उनसे कैसा गुना हो रहा था। एक दादा इसको दो चार लीटर दूध ला के दे रहे, दूध आ रहा है बिड़ू, अपनी पाल्टी जरा सी स्लो है। बहुत बहुत मेहरबान शुक्रिया। ए चल बस कर गान, लेके निकल। वो हजूर तीन दिन से म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आया, तो दो चार लीटर पानी मिल जाता तो ये तेरी भैंस का मारू सुधरेगा नहीं साला। देखे भैया जैसे आपको इमोशनल होने का आदत है वैसे उसको मिलावट करने का आदत है। चाय मंगाऊं क्या? खालिस दूध वाली।